बनियापुर के लौआ पंचायत में सभी पदाधिकारियों को उपस्थिति में ग्रामीणों के बीच जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरकार प्रायोजित समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन में से संबंधित ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित किया गया, जिसमें पदाधिकारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारी आम जनता के बीच रखी। साथ ही धरातल पर योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी लाभुक अथवा एजेंसी के द्वारा हुए कार्य में कोई अनियमितता या समस्या का हल भी अविलंब किया गया। सीओ सदर संजय कुमार राय ने सरकार प्रायोजित एक एक योजनाओं का फीडबैक ग्रामीणों के समक्ष सभी पदाधिकारियों से लिया। उन्होंने कहा कि कहीं किसी प्रकार की समस्या हो तो ग्रामीण खुलकर समस्या का संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं। सभी पदाधिकारी अपने आपके सामने हैं। सीओ स्वामीनाथ राम ने भूमि लगन जमाबंदी सहित अन्य कई बिंदुओं पर कार्यक्रम में अपनी बात रखी। बीओ ने शिक्षा से संबंधित योजनाएं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सहित अन्य बिंदुओं पर अपनी अपनी बात रखी। कृषि पदाधिकारी अभय कुमार ने कृषि से संबंधित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाओं का सत्यापन, जैविक कॉरिडोर योजना की जानकारी सहित अन्य बिंदुओं पर बात रखी। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर AM जाफरी ने चिकित्सा से संबंधित कई योजनाओं के विषय में जानकारी दी। मनरेगा पदाधिकारी संजय कुमार निराला के मनरेगा से संबंधित कई योजनाओं के विषय में जानकारी दी। साथ ही पदाधिकारी अपनी अपनी योजनाओं के बारे में आम जनता से जानकारी लिया। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा योजनाओं के क्रियान्वयन की है। योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठाकुर ने बताया कि प्रखंड में ऐसे 5 कार्यक्रम होंगे जिसमें जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, 2 कार्यक्रम अलग अलग वीडियो के द्वारा होंगे। कार्यक्रम के माध्यम से सभी योजनाओं के बारे में आम जनता से फीडबैक लेते हुए समस्याओं का निवारण किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को सभी योजनाओं को लाभ लेने हेतु जागरूक भी किया गया। मौके पर सभी अधिकारी उपस्थित थे। क्या कुछ कह रहे हैं SDM संजय राय, पहले उनकी बातों को सुनिए। जन संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं उसको सही रूप में कहां तक क्रियान्वयन हो रहा है और उसके प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग कहां तक उसमें अपनी सहभागिता निभाते हैं और कहां तक योजना का क्रियान्वयन सशक्त हो पाता है, इसी के संदर्भ में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। लोगों की क्या राय मिली सर? लोगों की राय है, जीविका है, मनरेगा है, सभी लोगों के द्वारा जो असुविधा है उस बात को उल्लेख किया गया। जहाँ तक इस योजना से लाभान्वित हुए हैं उसको भी सकारात्मक रूप में लिया गया। लेबर जो खर्चा आता है उसमें मेरा नाम है, मगर बोल रहे हैं कि मेरे खाते पे पैसा आ गया है मगर पैसा नहीं आया है। उसका बैंक डिटेल भी दे चुकी हूँ। वो लोग बोल रहे हैं कि अभी कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। खून जांच करा देना और अल्ट्रासाउंड करा देना जिसमें कमीशन उन लोगों को मिल जाता है। पूर्व में जो हमारे डॉक्टर साहब थे गुप्ता जी, कितना बार उनके खिलाफ मेरे द्वारा शिकायत दी गई, जिला शल्य चिकित्सा पदाधिकारी को उन्होंने भी उनका क्लास तो किए हूं लेकिन कोई खास प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। लेकिन अभी जो हम लोगों के बीच डॉक्टर जाफरी साहब जो आए हैं वो सही और सुचारू रूप से काम कर, और जो जिला से अनुमंडल पदाधिकारी DSP महोदय, अंचल से हमारे अंचल अधिकारी पदाधिकारी महोदय, सभी लोग आए और हम लोग सभी ग्रामीण जनता को अपने अपने स्तर से सभी योजनाओं का लाभ लेने के विषय में समझाए। आज का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त की जाती है।